हेलो गाइस, माय नेम इज नितिश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग एडा बूस्ट एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं। हमने पिछले तीन वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया कि एडा बूस्ट कैसे काम करता है। अब इस वीडियो में हम लोग एडा बूस्ट के हाइपर पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे और एडा बूस्ट को आप साइकिट लर्न में कैसे इंप्लीमेंट करते हो हम वो भी सीखेंगे। और लास्ट में इस वीडियो में हम लोग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी करेंगे इस एल्गोरिथम का। सो लेट्स स्टार्ट। सो अनलाइक ग्रेडियंट बूस्टिंग एंड एक्सजी बूस्ट, जहां पे बहुत सारे हाइपर पैरामीटर्स होते हैं, एडा बूस्ट थोड़ा सिंपल एल्गोरिदम है। यहाँ पे उतने ज्यादा आपको हाइपर पैरामीटर्स मिलेंगे नहीं, ठीक है। सो प्रिसाइसली यहाँ पे तीन से चार ही हाइपर पैरामीटर्स है जिनके बारे में आपको पढ़ना है। सो मैं आपको जल्दी से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इन हाइपर पैरामीटर्स का, फिर हम इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। सो यहाँ पे आपके पास जो मेन चार ही हाइपर पैरामीटर्स हैं, ये लास्ट रैंडम स्टेट को मैं कैलकुलेट काउंट नहीं कर रहा, बिकॉज रैंडम स्टेट आप सिर्फ रिजल्ट्स की कंसिस्टेंसी के लिए यूज करते हो। सो सबसे पहला है बेस एस्टिमेटर। तो बूस्टिंग एल्गोरिदम है, यहाँ पर आप चाहो तो कोई और डिसीजन ट्री के अलावा, डिसीजन स्टंप के अलावा कोई और एल्गोरिदम भी यूज कर सकते हो इफ यू वॉन्ट, बट मोस्टली आपको जो सबसे बढ़िया रिजल्ट दिखाई देंगे वो डिसीजन ट्री के ऊपर ही दिखाई देंगे विथ मैक्स डेप्थ इक्वल टू 1। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द बेस एस्टिमेटर फ्रॉम विच द बूस्टेड एंसेंबल इज बिल्ट, सपोर्ट फॉर सैंपल वेटिंग इज रिक्वायर्ड एज वेल एज प्रॉपर क्लासेस एंड एन क्लासेस एट्रीब्यूट्स, इफ नन देन द बेस एस्टिमेटर इज डिसीजन ट्री क्लासिफायर इनिशियलाइज्ड विथ मैक्स डेप्थ इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर सकते हो, आप SVM यूज कर सकते हो। KNN यहाँ पे काम नहीं करता क्योंकि वहां पे सैंपल वेट्स लेने की मतलब फीचर नहीं होता, तो उसकी वजह से KNN यहाँ पे काम नहीं करता। बट अगेन प्रैक्टिकली अगर आप बात करो तो आपको 99.9% टाइम्स डिसीजन ट्रीज ही यूज करने हैं। तो अगेन ये एक ऐसा पैरामीटर है जो आप बहुत ज्यादा टच नहीं करते हो, ठीक है। अगला जो पैरामीटर है वो शायद सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, द एन एस्टिमेटर्स हाइपर पैरामीटर। बेसिकली आप कितने बेस मॉडल्स यूज करना चाहते हो, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है द मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स एट विच बूस्टिंग इज टर्मिनेटेड, इन केस ऑफ परफेक्ट फिट द लर्निंग प्रोसीजर इज स्टॉप्ड अर्ली, ठीक है। अगर उसको एक ऐसा डिसीजन ट्री बीच में मिल जाए जो एक भी गलती नहीं कर रहा है तो आपका लर्निंग बीच में ही रुक जाता है, बट अगर नहीं मिला ऐसा कुछ तो ये जो नंबर है इतने बेस मॉडल्स ट्रेन होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज लर्निंग रेट, ये मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया है। लर्निंग रेट इज बेसिकली वेट अप्लाइड टू ईच क्लासिफायर एट ईच बूस्टिंग आइटरेशन, अ हायर लर्निंग रेट इंक्रीजेस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच क्लासिफायर, देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द लर्निंग रेट एंड एन एस्टिमेटर्स पैरामीटर। सो यहाँ पे जो पूरा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग है वो इन्हीं दोनों के ऊपर है, ठीक है। मैं आपको लर्निंग रेट के बारे में थोड़ा और डिटेल में थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। नेक्स्ट इज एल्गोरिदम। यहाँ पे दो ही एल्गोरिदम्स हैं, एक है सैमी और एक है सैमी डॉट आर, ठीक है। डिफॉल्ट आपको सैमी डॉट आर यूज करना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इट टिपिकली कन्वर्जेस फास्टर देन सैमी, अचीव्स अ लोअर टेस्ट एरर विथ फ्यूअर बूस्टिंग आइटरेशंस, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ये हेल्प कर देगा। बाकी आप ग्रिड सर्च CV लगा के चेक कर सकते हो, ठीक है। सो यही तीन चार अपने पास हाइपर पैरामीटर्स हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि आपको इनको कैसे ट्यून करना है। सो अगर आप यहाँ पे जाओ, मैंने एक नोटबुक बना रखा है, यहाँ पे मैंने खुद का एक डेटा सेट क्रिएट किया है, एक क्लासिफिकेशन डेटा सेट जो कि ऐसा दिखाई देता है। और इसके ऊपर मैंने क्या किया, एडा बूस्ट क्लासिफायर लगाया विदाउट एनी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। मैंने डिफॉल्ट वैल्यूज ले ली, मतलब डिसीजन ट्री मैक्स डेप्थ 1, 50 एस्टिमेटर्स, लर्निंग रेट का वैल्यू 1 और एल्गोरिदम का वैल्यू ये है, ठीक है। और इसको ट्रेन किया तो मेरा एक्यूरेसी इज कमिंग आउट टू बी 0.78, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको प्लॉट किया और प्लॉट करने के बाद ये मेरा आउटपुट है उस डेटा के ऊपर, एंड यू कैन सी कुछ गलतियां हो रही हैं, कुछ येलो पॉइंट्स ब्लू रीजन में है और कुछ ब्लू पॉइंट्स येलो रीजन में है, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग इन हाइपर पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एन एस्टिमेटर्स के बारे में कि अगर आप एन एस्टिमेटर्स को बढ़ाते हो या घटाते हो तो क्या होता है। सो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, यहां पे एन एस्टिमेटर इक्वल टू 1 कर देता हूं, मतलब मैं सिर्फ एक बेस मॉडल, एक डिसीजन स्टंप ले रहा हूं। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे हो क्या होगा। दिस इज द आउटपुट, ये आपका डिसीजन बाउंड्री है, एंड ऑब्वियसली इट इज वे टू सिंपलिस्टिक।
और ये क्लियर कट केस है अंडर फिटिंग का, ठीक है, ये अच्छा काम नहीं कर रहा। बट जैसे जैसे आप बढ़ाओगे यू वुड सी कि ये थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करेगा। दिस इज 50 जो हमने अभी जस्ट देखा था, आप इसी को अगर 150 कर दो तो आपको ओवर फिटिंग का बिहेवियर दिखने लग जाएगा, छोटे छोटे रीजन्स बनने लग जाएंगे जो ये बता रहा है कि आप ओवर फिटिंग कर रहे हो, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे 500 कर दो तो काफी ज्यादा ओवर फिटिंग दिखने लगता है, ठीक है। अगर आप इसको 1500 कर दो तो ये क्लियर कट केस हो जाएगा ओवर फिटिंग का, और टाइम भी ज्यादा लगेगा बिकॉज उतने ज्यादा डिसीजन स्टम्प्स आपको ट्रेन करने हैं। ये देखो ये बहुत छोटे छोटे रीजंस हैं और ये अच्छी बात नहीं है। सो आपको एक ऑप्टिमम वैल्यू खोजना होता है एन एस्टिमेटर्स का, बहुत कम अंडर फिटिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा ओवर फिटिंग हो जाता है, आपको बीच में एक वैल्यू खोजना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आती है एक इंटरेस्टिंग चीज और वो है लर्निंग रेट। सो लर्निंग रेट अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि आप जब भी अल्फा कैलकुलेट करते हो किसी भी डिसीजन स्टंप का तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाय लॉग 1 माइनस एरर डिवाइडेड बाय एरर, ठीक है। अब लर्निंग रेट क्या होता है, लर्निंग रेट होता है कि आप चाहो तो, अब अगर आपको याद होगा तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग जब अल्फा कैलकुलेट करते थे तो वो अल्फा होता था हाफ डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 1 माइनस एरर डिवाइडेड बाय एरर। अब लर्निंग रेट क्या करता है कि लर्निंग रेट अल्फा से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, अल्फा से मल्टीप्लाई होता है। सो बाय डिफॉल्ट आपके लर्निंग रेट का जो वैल्यू है वो होता है 1, दैट इज वाई आपका अल्फा एज इट इज रहता है। बट आप चाहो तो एलआर का वैल्यू बढ़ा घटा सकते हो, जनरली आप इसको घटाते हो, 1 से कम करते हो, ठीक है। मान लो आपने क्या किया, आपने इसको 0.1 कर दिया। 0.1 करने से क्या होगा कि आपका अल्फा भी 10 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। अब सोच के देखो अल्फा को रिड्यूस करने से क्या होता है। अब अल्फा को रिड्यूस करने से देर एक चीज होती है जिसको हम श्रिंकेज बोलते हैं, बूस्टिंग में आप ये और आगे पढ़ोगे। श्रिंकेज में क्या होता है, यहाँ पे बहुत अच्छा एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग द लर्निंग रेट मेक्स द कोफिशियंट्स अल्फा एम स्मॉलर, ठीक है। जैसा मैंने आपको बोला कि अल्फा का वैल्यू घट जाएगा, अब अल्फा का वैल्यू घट जाने से क्या होगा, इट विल रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ सैंपल वेट्स एट एट ईच स्टेप। अब मैंने आपको बताया था कि अब आपको क्या करना होता है, इस अल्फा को यूज करना होता है टू अपडेट द वेट्स, कैसे, करंट वेट मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर माइनस अल्फा आपके करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट्स के लिए, और करंट वेट मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर अल्फा मिस क्लासिफाइड पॉइंट्स के लिए। अब सोच के देखो अगर ये अल्फा घट जाएगा, अगर ये अल्फा रिड्यूस हो जाएगा तो आप जो अपडेट कर रहे हो ना उसका एम्पलीट्यूड घट जाएगा। एम्पलीट्यूड घटने का मतलब अगर नेगेटिव में बढ़ रहा था तो नेगेटिव में कम बढ़ेगा, अगर पॉजिटिव में बढ़ रहा था तो पॉजिटिव में भी कम बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड कम होने का यही मतलब है। और उसका मतलब ये है कि दिस ट्रांसलेट्स इनटू स्मॉलर वेरिएशन ऑफ वेटेड डेटा पॉइंट्स एंड देयरफॉर फ्यूअर डिफरेंसेस बिटवीन द वीकर क्लासिफायर डिसीजन बाउंड्रीज। सो बेसिकली आपके पास, आप अगर ज्यादा ज्यादा वीक लर्नर्स ऐड करते जाओगे तो उसका इफेक्ट रिड्यूस होता है, ठीक है। सो इन शॉर्ट आप बोल सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द आइडिया इज टू स्लो डाउन लर्निंग अलाउइंग टू ड्रामेटिकली रिड्यूस ओवर फिटिंग। सो इस पूरी चीज का फंडा ये है कि आप एन एस्टिमेटर्स बढ़ा लो, बढ़ाने से क्या हो गया ओवर फिटिंग, बट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लर्निंग रेट को घटा सकते हो। लर्निंग रेट को घटा के 0.1 करोगे तो आपका ओवर फिटिंग रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जैसे आपने लर्निंग रेट को घटाया अल्फा घट गया, अल्फा घटने से आपके जो वेट्स अपडेट हो रहे थे वो अब थोड़े कम तरीके से, लाइक उनका एम्पलीट्यूड रिड्यूस होने की वजह से लर्निंग उतना फास्ट नहीं हो रहा है, लर्निंग का स्पीड घट गया, तो फिर ओवरफिटिंग का भी स्पीड घट जाएगा और आपको जो रिजल्टेंट स्पीड आउटपुट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। लेट मी शो यू, ये देखो थोड़ा सा स्मूदनिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है श्रिंकेज पैरामीटर, ठीक है। लर्निंग रेट को आप बहुत इंटेलिजेंटली यूज करके ओवरफिटिंग से बच सकते हो वाइल यूजिंग एडा बूस्ट, ठीक है। तो बहुत लोग इस पैरामीटर को यूज नहीं करते, बट आप एन एस्टिमेटर और लर्निंग रेट इन दोनों को साथ में यूज करोगे ना तो आप एडा बूस्ट का ट्रू पावर निकाल पाओगे, ठीक है।
अब लास्ट एक चीज मैं आपको जल्दी से दिखाना चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर ग्रिड सर्च सीवी कैसे लगा सकते हो। सो मैंने क्या किया, मैंने एक ग्रिड डिक्शनरी बना लिया जहां पे एन एस्टिमेटर्स में मैंने ये कुछ वैल्यूज डाल दी। आप और ज्यादा वैल्यूज भी ट्राई कर सकते हो। लर्निंग रेट में मैंने बहुत कम से लेकर के 1 तक ट्राई किया और एल्गोरिदम के दोनों वेरिएशन डाल दिए। ग्रिड सर्च सीवी बोल के क्लास बनाया, वहां पे एस्टिमेटर का वैल्यू मैंने डाल दिया, एडा बूस्ट पैरामीटर ग्रिड में अपना ग्रिड पास कर दिया, एन जॉब्स -1 कर दिया बिकॉज थोड़ा फास्ट हो जाएगा प्रोसेस, क्रॉस वैलिडेशन 10 और स्कोरिंग एक्यूरेसी। और अब ग्रिड रिजल्ट को मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ और ये मेरा आउटपुट आ रहा है गाइस, 0.83 सबसे ज्यादा। ऊपर जब मैंने किया था तो इट वॉज कमिंग आउट टू बी 0.78, बट ग्रिड सर सीवी अप्लाई करने से 0.83 तक पहुंच पाया मैं। एल्गोरिदम इस केस में सरप्राइजिंगली सेम आ रहा है और लर्निंग रेट 0.1 सबसे बढ़िया है और एन एस्टिमेटस 500 है। ठीक है, सो एडा बूस्ट को ट्यून करना और यूज करना उतना डिफिकल्ट नहीं है। इट इज वन ऑफ दोज इजियर बूस्टिंग एल्गोरिदम्स जिसको आप, अगर थोड़ा सा आपको समझ है इन दोनों पैरामीटर्स का, तो आप बहुत इजिली यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आप भी कोई डेटा सेट उठाओ और उस पर ट्राई करके देखो ये पूरी चीज जो आपने इस वीडियो में पढ़ी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।